अमेरिका पछे गला आणविक शक्ति क्षेत्र में चीन ठु अमेरिका पछे जा चीन रे एवं 27 न्यूक्लियर रिएक्टर तैयारी चली पटे अमेरिका 2023-24 आर्थिक वर्ष रे आणविक क्षेत्र पर बजेट को होल्ड कर चीन एवं आणविक शक्ति उत्पादन उपर बेसी गुरुत्व देउछि। एक क्रम रे आणविक शक्ति उत्पादन केन्द्र तैयारी करिबारे एवं अमेरिका को चीन पछरे देछि बोली पछरे पकाई देछि बोली रिपोर्ट आछि। रिपोर्ट अनुसार चीन रे 27 टी आणविक रिएक्टर तैयारी होउछि एवं एगुडिकर निर्माण समय सीमा प्राय 7 वर्ष अछि। तबे अन्य देश तुलन रे चीन रो ए केन्द्र गुडिक खूब द्रुत। यार कारण होउछि चीन आधुनिक आणविक शक्ति केन्द्र उपर बेसी गुरुत्व दे निजर बजेट को मध्य बढ़े चलिछि। अमेरिका रे विश्वर बृहत आणविक शक्ति केन्द्र रही वर्तमान चीन रो ए उपलब्धि अमेरिका पई चैलेंज सृष्टि करथिले भी अमेरिका सहजरे याकु टपि जीव बोली विशेषज्ञ कहउछन्ति। कारण 2023-24 आर्थिक वर्ष रे अमेरिका आणविक क्षेत्र पई आनिथिबा बिलियन डॉलर बजेट को गोटे वर्ष विलंब करा देछि। वर्तमान कोनोसी आणविक रिएक्टर निर्माणाधीन नाही। एक हाईटेक प्लांट निर्माण पई आगरु योजना थिले भी हाकु अमेरिका लैब कैंसल करिछि। तेणु अमेरिका जदि आणविक रिएक्टर उपर गुरुत्व दिए तबे टेक्नोलॉजिकली चाइना को पछरे पकेबा को बेसी समय लागिबो नाही बोली विशेषज्ञ माने मत रखिछन्ति। किंतु वर्तमान जो स्थिति रहिछि अर्थात जो लक्ष्य रे चीन रहिछि अमेरिका को पछरे पकेछि, तेणु जो आणविक रेस जारी रहिछि ता भीतर जदि चीन आगरे रहे आ चीन कथा आम समस्त जानते जो प्रकार स्थिति चीन विभिन्न समय रे पाखो पड़ोसी राष्ट्र सृष्टि करें क्या माने ना पूरा जमती मानने सबुब विस्तारवादी रणनीति तार प्रशासक मैंने विश्वास करती। तेणु तो यही स्थिति भितर जदि चीन हाथ में यह आणविक शक्ति लगुच्चे के मारात्मक स्थिति उत्पन्न हो पाए। अधिक आलोचना करने संपर्क में अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर समरेन्द्र बसा आम सहित जोड़ प्रोफेसर बसा स्वागत करने आलोचना को जो सूचना रही जो रिपोर्ट आसी जो अमेरिका चीन ठू पछरे पड़ जामित तो ये गोटे लगे जमी सत जमी ग्रहणीय नुहे कितु जहाँ तथ्य रोचर चीन जेहेतु आगे रोचे आीन आणविक जो जो पावर प्लांट गुड़िक क्षेत्र में आगरे रहिले भी आणविक शक्ति को केमिति विकास करिब सेई बलटी जेहेतु ता निकट रही समस्त गोटे चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करिब। ऑब्वियसली कारण नंबर ऑफ टेस्ट एवं नंबर ऑफ नर्चरिंग क्षेत्र में देखा जो भारत को तुलना भी करवा तेज न्यूक्लियर टेस्ट रे आज पर्यंत भारत सर्वमोट 6 थर जो देखा टेस्ट को अभ्यास कर क्षेत्र में 45 टाइम्स 45 थर टेस्ट कला चाइना एवं यहा द्वारा कौन हुए जिते भेरिएशन जिते टेस्ट हम से अपडेट सब तेज अमेरिका को पछरे पकेबार जो सन्देह करुछन्ति एक्सपर्ट्स माने वास्तविक लापनोर रे जो चली सुडंग भितर जो करुला आईसीबीएम रो टेस्ट करुला एवं पुणी जो चली न्यूक्लियर ट्रेन अर्थात 350 किलोमीटर घंटा को बेगर ट्रेन रे देखो फास्टेस्ट ट्रेन जोटा वर्ल्ड रो चाइना रे अच्छी एवं से ट्रेन रु वर्तमान आईसीबीएम लॉन्च करिबा जो टेक्नोलॉजी को से डेवलप करुछि आउ जो विभिन्न प्रकार रो नुवा मॉडर्न एमिनिटी पर पद्धति करिछि तो अमेरिका रो जो खुफिया एजेंसी बा अमेरिका वर्तमान जहां देखुछि जे चाइना रो जो रणनीति रहिछि चाइना विशेष करी एबे बजेट क्षेत्र रे कोंतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोंतु बैटरी एनर्जी कोंतु एपटे 5G नेटवर्क कथा कोंतु सबु थिरे अमेरिका को पछरे पकाई सारिछि। तबे वर्तमान जदि न्यूक्लियर वेपन रे वर्ल्ड रो 9 टी देश भितर चाइना मध्ये गोटिए एवं जदि से अमेरिका को पछरे पकाउछि तबे आगामी दिन रे जे कोनसी ग्लोब रो साइड रे वार हेड हबो सेथिरे चाइना ही हेड हबो कारण तार बेस्ट फ्रेंड जेमिति रशिया रहिछि नॉर्थ कोरिया रहिछि ईरान रहिछि तो चाइना आगामी दिन रे गोटे न्यूक्लियर वेपन रो सोर्स हेड हवा को जाउछि बा आगामी दिन रे एती प्रोडक्शन रेंज तार बढ़े बारे चली बजेट भी मध्ये बढ़े चली अमेरिका को गोटे चिंता घारी आगामी दिन रे जदि अमेरिका जत्नवान न हुए तबे चाइना जथेष्ट टपी जीव एक क्षेत्र में। प्रोफेसर बसा आम जमी देखू जे माने सकारात्मक देश गुड़िक जो रही आउ नकारात्मक शक्ति जहाँ निकट आणविक शक्ति जदि रोचे ताले विभीषिका मचे पारे से संभावना रही अंततः अमेरिका परिप्रेक्षी में आम देखा अमेरिका मध्य कथाटी को गुरुतर सह देखुची एवं चुप बसिबो नाही जहाँ चैलेंज कथा कहुची ताकू पार कर जो चीन जहाँ आम देखुचे वर्तमान परिप्रेक्षी में रिपोर्ट आसूची आगे रही अमेरिका आग को जापे पछरे पकईदे पारे
ନିହାତି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି DF-41 କଥା ଆମେ ନେବା, ଯୋଉ ମିସାଇଲ ବା ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଇନାର ଏବଂ ତାହା 15,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ମାତ୍ କରିପାରେ। ଆମେରିକାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯଦି ଗ୍ଲୋବରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେରିକାର ରେପୋ, ଚାହେ ସେ ଚାହେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ସେ ଚାହେ ତାଇୱାନ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉ, ଚାହେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ଅଛି ବା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଚାଇନା ସେ ରୋଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନକୁ ଯିଏ ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ହି ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୁଚାଛପା ନୀତି ରହିଛି। ଆମେ ବିସ୍ତାରବାଦୀ କଥା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଲୁଚାଛପା ନୀତିରେ ସେ ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବେଶୀ ମନବଳିଛି ବା ବଜେଟ୍ ବେଶୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନକୁ ନବା, ତେବେ ରାଷିଆ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା ୱେପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଚୀନ ହାତକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏଠି ଜୋରଦାର ଚାଲେ ବା ତା ପାଖରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ କଥା କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ତା ଉପରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହେ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ମାରାତ୍ମକ ହେବ। କାରଣ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ବୋଷ, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ରହିଥିବା।